हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं दो आईटी सेक्टर के पेनी स्टॉक्स के बारे में। पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट इसमें बात करेंगे थ्री इन्फोटेक शेयर के बारे में, लास्ट में हम बात करेंगे विशेष इन्फोटेक शेयर के बारे में। तो हम इन शेयरों के बारे में बात करते रहते हैं। यदि आप वीडियो पर फर्स्ट टाइम है तो पहले आप वीडियो को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अभी हम चलते हैं थ्री इन्फोटेक शेयर की ओर। तो अभी हम यहाँ पे थ्री इन्फोटेक शेयर का डाटा लिए हुए हैं एंड हम इस पर यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, टेक्निकल एनालिसिस में आप समझ लिए, यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो आपका है वो यहाँ पे नीचे दे रखा है, ये जो यहाँ पे स्टिक्स है ये वॉल्यूम की स्टिक्स है। एंड देन आप यहाँ पे ईएमए, दो ईएमए लिए, एक लिया है 9 डेज का ईएमए एंड एक लिया है यहाँ पे 50 डेज का ईएमए। ईएमए होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इससे बहुत कुछ पता लगता है कि शेयर कहाँ जाएगा एंड कहाँ नहीं जाएगा, इसके सपोर्ट्स एंड टारगेट इसी से डिसाइड हो जाते हैं इजीली। ओके, तो अभी हम बात करते हैं 9 डेज ईएमए की बात। तो आप यहाँ पे जो 9 डेज का ईएमए यहाँ पे शो कर पा रहे होंगे वो यहाँ पे ब्लू लाइन से, एंड यहाँ से यदि मैं चलता हूँ इसको तो मैं यहाँ पे पहले ब्लू कलर यहाँ पे चूज कर ले रहा हूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, एंड मैंने यहाँ पे ब्लू कलर ले ही लिया है। तो यहाँ पे आप ये जो चेक कर पा रहे हैं, ये जो लाइन है ये है 9 डेज ईएमए की। ओके, ये लाइन जो है 9 डेज ईएमए की है, एंड जो हमारा अभी इसका प्राइस चल रहा है, इस शेयर का पर्टिकुलर प्राइस चल रहा है वो मैं आपको यहाँ पे शो करा दे रहा हूँ। इस शेयर का जो अभी प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 87 रुपीज़ एंड 90 पैसे। ओके, एंड 9 डेज का आपने ईएमए देख लिया, वो इस प्राइस के अभी नीचे है। मैं यहाँ पे आपको शो भी करा देता हूँ, जो 9 डेज का ईएमए है वो इस प्राइस से अभी यहाँ पे इस प्राइस से हल्का सा ऊपर चल रहा है। ओके, हल्का सा ऊपर है, आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी जूम करा देता हूँ। एंड इसका जो 9 डेज का यहाँ पे ईएमए है वो आपका ये है, एंड इसका जो प्राइस है वो ये है, तो थोड़ी बहुत ऊपर है, आप मान सकते हैं 20 से 30 पैसे ऊपर चल रहा है 9 डेज का ईएमए। एंड 50 डेज की ईएमए की बात करें तो आपको 15 डेज का ईएमए काफ़ी ऊपर देखने को मिलता है, जो रेड कलर से हमने यहाँ पे शो किया है। तो इससे ये पता चलता है टेक्निकल एनालिसिस में, पहले मैं इसकी स्लाइड को सही कर लूँ, हाँ इसकी स्लाइड को मैंने सही कर लिया। एंड इससे ये पता चलता है कि जो 15 डेज का ईएमए है, 50 दिनों का जो ईएमए है उससे शेयर नीचे चल रहा है, एंड थोड़ी टाइम तक यहाँ पे बीआरएस होने वाला है, इसी कंडीशन में नीचे की ओर अभी चलने वाला है। एंड जब ये यहाँ पे 50 डेज ईएमए को क्रॉस करता है तो इसका यहाँ पे इस टाइम जो सपोर्ट था, एंड इसका सपोर्ट्स चेंज होता रहता है, अभी जो सपोर्ट्स था अभी इसको 91 के ऊपर चलना चाहिए था, तो ये यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी दिखाता, 90 रुपीज़ 91 के ऊपर यदि ये चलता तो एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे शो करता। बट अभी इसका जो प्राइस है 90 रुपये से 3 रुपये कम का है, एंड 87 रुपीज़ एंड 95 पैसे 3 रुपीज़ कम का है, तो अभी इसमें थोड़ी तेज़ी की गुंजाइश अभी नहीं है क्योंकि ये 50 डेज ईएमए से नीचे चल रहा है। एंड यदि 200 डेज ईएमए की बात करें, यदि उससे भी नीचे चल रहा होगा तो ये लॉन्ग टर्म बीआरएस माना जाता है। ओके, अभी हम यहाँ पे 200 डेज ईएमए ले लेते हैं, यहाँ पे यदि आप सर्च करेंगे ईएमए। ओके, यहाँ पे मैंने ईएमए इजीली सर्च किया है एंड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ले लिया है। ओके, एंड काफ़ी सारे यहाँ पे आ गए होंगे, इतने मुझे नहीं लेने हैं। अभी हम बात करते हैं इजीली 200, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा एंड इनपुट में आपको यहाँ पे लेंथ डालनी पड़ेगी, कितनी लेनी है 200। ओके, एंड लेंथ चूज़ कर लिया, तो 200 डेज का ईएमए यहाँ पे आ चुका है, जो अनअवेलेबल दिखा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 200 डेज का नहीं है तो यहाँ पे हम ईजिली ले लेंगे 90 डेज का। ओके, 90 डेज का यहाँ पे ईएमए चूज़ कर लेते हैं, तो 90 डेज का ईएमए आ गया है, एंड 90 डेज के ईएमए से भी ये जो पर्टिकुलर शेयर है ये यहाँ पे नीचे चल रहा है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए नीचे चल रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म यहाँ पे बीआरएस रहने वाला है, इसी रेंज में आपको मूविंग होते हुए दिखेगा काफ़ी लंबे समय तक। तो इसमें एक तेज़ी की गुंजाइश की जा सकती है जब ये यहाँ पे 50 डेज ईएमए को क्रॉस करता है। तो आप चैनल पे बने रहिए एंड टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहिए, मैं आपको बता दूंगा कि कब इसमें एंट्री करने का एक सही टाइम जोन है। एंड आप तो अभी भी एंट्री कर सकते हैं, बट आपको अभी थोड़ी वेट करना पड़ सकता है। इस यदि ये लाइन को यदि क्रॉस करता है, 91 की लाइन को क्रॉस करता है, तो फिर ये इसमें एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे शो होने वाली है। ओके, अभी हम इसकी सेकंड, इसकी आपको थ्री इन्फोटेक का तो पता ही होगा, मैं आपको एक बार फिर से अगेन यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जो थ्री इन्फोटेक का जो प्राइस चलता था यहाँ पे 8 रुपये से 9 रुपये चलता था, देन फिर इसमें एक स्प्लिट आया था, एक शेयर के बदले यहाँ पे 10 शेयर हुए थे, तो जो इसमें नहीं 10 शेयर के बदले सॉरी 1 शेयर हुआ था, जो स्प्लिट ये आया था कि 10 के बदले यहाँ पे 1 शेयर हुआ था, तो इसका जो प्राइस था वो एक्सपेक्ट किया
किया जा रहा था कि यहाँ पे 8.5 रुपये पे बंद हुआ था, तो ये इसका जो प्राइस था वो 85 होता, क्योंकि जिसके पास 10 शेयर थे उसका एक शेयर यहाँ पे हो गया था, तो इसका जो प्राइस था वो यहाँ पे 10 गुना होना था, बट ऐसा नहीं हुआ था। इसका जो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था वो 28 रुपीज़ 26 रुपीज़ इसी के अराउंड यहाँ पे ओपन हुआ था। देन फिर इस शेयर में एक अच्छी तेज़ी भी आई थी, मैं आपको यहाँ पे नीचे यदि शो करा देता हूँ इसका जो यहाँ पे जो प्राइस ये हुआ था, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए 30 रुपीज़ के अराउंड हुआ था। फिर देन इसमें एक अच्छी तेज़ी आई थी एंड ये शेयर काफ़ी यहाँ पे बूम हुआ था, क्योंकि 85 रुपीज़ की जिसकी यहाँ पे बाइंग थी या 8.5 रुपीज़ की जिसकी बाइंग थी उसने यहाँ पे वेट किया होगा, एंड वेट करते करते फिर ये जो शेयर इसने अपना हाई भी बनाया था उसी टाइम 120 का हाई बनाया था, एंड हमने यहाँ पे आपको बताया था कि आप इसको यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मैंने आपको 112 रुपये से बोलना स्टार्ट कर दिया था कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, बट जिसने किया होगा उसने ठीक है। अब यहाँ पे एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है, एंड इस टाइम आपको तो पता ही है कि शेयर का जो प्राइस है वो 87 रुपीज़ है। तो हम न्यूज़ देते रहते हैं, आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को यहाँ पे लाइक करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अभी हम चलते हैं विशेष इन्फोटेक शेयर के ऊपर। अभी हम आ चुके हैं विशेष इन्फोटेक शेयर के ऊपर, एंड इसके बारे में भी हम यहाँ पे अगेन एंड अगेन डेली के डेली बेसिस पे चर्चा कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप इस शेयर में या और कोई शेयर में यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में आप हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। ओके, सीखने के साथ साथ पैसे भी कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे शेयर मार्केट में पैसे कमाना एक मेन उद्देश्य है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे विशेष इन्फोटेक की बात करते हैं। तो विशेष इन्फोटेक का जो प्राइस था आज के दिन सुबह खुलते ही यहाँ पे अपर सर्किट्स में चला जाता है, एंड इसमें 4.17% का अपर सर्किट लगता है। कल का इसका जो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था वो 1.20 रुपीज़ था। आज सुबह होते ही इसमें अपर सर्किट चलता है, एंड अपर सर्किट पूरा दिन भर रहता है। यदि आज के वॉल्यूम की बात करें तो आज का इसका वॉल्यूम 20 मिलियन का वॉल्यूम रहता है, काफ़ी ज़्यादा इसका वॉल्यूम था। एंड यदि हम और भी पुराने वॉल्यूमों से यदि कंपेयर करें तो इसका पहले हम वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ओके, तो वॉल्यूम यदि हम इसके पुराने वॉल्यूम में से कंपेयर करें तो पुराने वॉल्यूम में से आज का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था, एंड आप देख पा रहे हैं कि कल का वॉल्यूम यहाँ पे 41 करोड़ का था, एंड आज का वॉल्यूम और पुराने वॉल्यूम में से यहाँ पे कम ही था। ओके, टुडे के दिन आज के दिन यहाँ पे 2 करोड़ का वॉल्यूम था, एंड पूरे की यहाँ पे डिलीवरी ईजिली उठा ली गई होगी। ओके, एंड पुराने वॉल्यूम में से काफ़ी कम था, तो हो सकता है अभी कुछ ही समय में यहाँ पे ट्रेडिंग में आ जाए, एंड लोअर सर्किट में डायरेक्ट जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कोई शेयर अपर सर्किट में डायरेक्ट लोअर सर्किट में चला जाए तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पहले यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए टाइम टू टाइम, एंड क्या है कि अब इसकी जो ट्रेडिंग है वो थोड़ी कम होती जा रही है, 2 करोड़ की आज ट्रेडिंग हुई है, काफ़ी कम है जो इसके पुरानी जो ट्रेडिंग है 48 करोड़ से। तो हो सकता है इसमें जल्द से जल्द यहाँ पर एक ट्रेडिंग में ये शेयर लौट जाए, एंड ट्रेडिंग में लौटना एक अच्छी यहाँ पे गुड न्यूज़ होगी यदि ट्रेडिंग में आता है, या अगर डायरेक्ट यहाँ पे लोअर सर्किट में जाता है तो थोड़ी इसके लिए बैड न्यूज़ यहाँ पे ये होने वाली है। ओके, अभी हम यदि बात करेंगे इसकी ये रिटर्न्स की, तो आप देख सकते हैं एकदम यहाँ पे रॉकेट रिटर्न है, 1050% के रिटर्न, एंड 78% के रिटर्न 3 मंथ में भी, 5-5% के रिटर्न, एंड यदि बात करें 1 मंथ में तो 400% के रिटर्न, एंड एक ही मंथ में 400% के रिटर्न दे चुका है ये शेयर। एंड आपकी यहाँ पे जो मनी है उसको मैं आपको यहाँ पे इजीली बता दूं कि 1 रुपये का 4 रुपये हो चुका है, तो कोई आपको घबराने की बात नहीं है। यदि आप काफ़ी पहले से इसमें आप पोजीशन बनाए हुए हैं, होल्डिंग किए हुए हैं, तो आप थोड़ी और वेट कीजिए, बट यदि आपने अभी नया ये कोई शेयर लिया है या आप कुछ समय के लिए इसमें आए हैं तो आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं। यदि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ किया, बट डिक्रीजिंग के साथ साथ उनने अपनी प्लेजिंग भी डिक्रीज़ की है, तो एक पॉजिटिव साइन जरूर बनता है। एंड आप देख सकते हैं कि इनकी जो यहाँ पे प्लेजिंग हुआ करती थी 65% के अराउंड थी जून 2021 में, देन इस समय 46% ही रह गई है, तो ये एक यहाँ पे थोड़ी ठीक ठाक न्यूज़ ज़रूर है। एंड लगातार इनने अपनी प्लेजिंग को कम किया है, प्लेजिंग कम होना एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है। एंड यदि बात करें इनके शेयर होल्डिंग परसेंटेज की, तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो परसेंटेज है वो कम हुई है, क्योंकि इनने अपनी प्लेजिंग को यहाँ पे कम किया है। यदि टोटल होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के बाद यहाँ पर 20.39% की होल्डिंग है, 20% से ज़्यादा का प्रमोटर के पास स्टेक है, बट यदि पब्लिक की बात करें तो 79% से ऊपर का स्टेक पब्लिक के पास है, जो इस शेयर में एक यहाँ पे बुलिश पैटर्न पब्लिक ही बनाए हुए हैं, एंड पब्लिक के हाथ में ही है, तो पब्लिक यहाँ पे बाई पे बाई करते जा रही है। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पब्लिक ही यहाँ पे बनाए हुए है बुलिश पैटर्न, तो ये सब यहाँ पे रहता है, एंड जिसमें पब्लिक थोड़ी ज़्यादा रहती है उसमें यही पैटर्न देखने को मिलता है डायरेक्ट अपर सर्किट या लोअर सर्किट। ओके, तो आप थोड़ी इसमें प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए टाइम टू टाइम, और वैसे कोई दिक्कत नहीं है,
मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा सीन कोटेक की। यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए तो पहले आप चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना।